आपके मन में हमेशा सवाल उठ रहा होगा कि सर जी कॉपी कैसे लिखा जाता है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसा लिखा जाता है जिससे टॉप कर जाए, टॉपर का कॉपी कैसा होता है। तो चिंता न कीजिए मेरे लाडले, इस वीडियो में आपको संपूर्ण बताने वाले हैं कि टॉपर की तरह कॉपी कैसे लिख सकते हैं और आप भी टॉपर कैसे करिएगा। मेरे प्यार साथियों, आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि सर जी कोई पढ़ने बहुत कमजोर है लेकिन बहुत अच्छा नंबर आता है, उसके बस एक ही रीजन है कि कॉपी। अब बहुत सारे तेज स्टूडेंट होते हैं लेकिन उनका नंबर कम आ जाता है, मार्क्स कम आ जाता है, क्योंकि पास तो वो कॉपी को सही से नहीं लिख पाते। ये हमारे पास है साइंस का, ठीक है, ये आपके सेम टू सेम इसी प्रकार एग्जाम में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले पास तो 80 को ऑब्जेक्टिव रहता है, तो आपको तो ऑब्जेक्टिव OMR पर बना लेना है, ठीक है। देख लीजिए बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है, ये 2022 में पूछा गया था, ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा, कई बार हम कराए भी हैं, तो चिंता ना कीजिए। चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्टिव से। आपको लेके सब्जेक्टिव में प्रश्न, तो सबसे पहले आपको यह पता होगा कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय, इससे पहले आपको लिखना होगा खंड व भौतिक शास्त्र लघु उत्तरीय, ठीक है। तो देखिए हम बहुत ही अच्छे से लिखे हैं एकदम सजा के खंड व। अब हम प्रश्न, तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश वाला से छोड़ ही दीजिए, इंग्लिश से कोई मतलब नहीं। ये नहीं कि सर जी सेक्शन लिखेंगे, सर जी भौतिक शास्त्र की जगह हम फिजिक्स लिखेंगे, नहीं, अंग्रेज बनना छोड़ दीजिए मेरे लाडले। अब देखिए 1 से 8 तक आपको किसी को दे सकते हैं मात्र 4 प्रश्न। तो मुझे अगर पहला को देना है कि उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, प्रश्न 1 लिखें, डॉट 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 कर देंगे मेरे लाडले, 2 अंक स्तरीय। इससे क्या होगा ना कि एग्जामिनर को सिंपल पता चलेगा कि प्रश्न संख्या 1 2 अंक का है। जितने आप एग्जामिनर को आसानी दीजिएगा चेक करने में, उतने मेरे प्यार साथियों आपका नंबर मिलेगा, क्योंकि उनको चेक करना होता है और पैसा, ठीक ना, पैसा कमाना होता है। तो जितने ज़्यादा कॉपी चेक करेंगे उतने ज़्यादा वो पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए पैसा, तो आपको सिंपल उत्तर लिखना है, ये भी नहीं कि आंसर लिखिए, उत्तर लिखिए। आपसे क्या पूछा गया था कि उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें उत्तर लेंस के मुख अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख फोकस से होकर गुजरती है, इसी कारण उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब यहीं पे आपको नहीं छोड़ना है, इसका मेरे पास तो फिगर भी डालना है, तब जाके आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा। और इस चीज के ध्यान रहे कि ना तो ये साइड आपको लिखना है और ना इधर लिखना है, ठीक है लाडले, इधर तो एकदम नहीं लिखना, क्योंकि मार्क्स जो मिलता है ना वो आपको इधर ही मिलता है, तो इस प्रकार आपको लिख लेना। अब देखिए आपको मन में सवाल हो रहा है कि सर जी दूसरा को देंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, उसे भी दे देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाइए, तो प्रकाश के प्रकीर्णन लिख के हम लोग एकदम हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले प्रश्न संख्या 2 लिख दिए डॉट डॉट करके, 2 अंक स्तरीय, इससे एग्जामिनर को पता चलता है तो प्रश्न कि 2 अंक आई है, ठीक है। और देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन दे दिए भाई साहब, इसको हाईलाइट कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। और आपको 2 पेन यूज करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू, ब्लू का कब करना है, ब्लैक का कब करना है, दोनों बताएंगे। तो देखिए ब्लैक से हम लोग कर लिए, इस प्रकार आपको 2 बिंदु देना है, तीर को खींच देना, और उसके बाद प्रश्न ब्लू पेन से आपको लिखना है कि जब प्रकाश के किरणें किसी सतह पर पड़ने के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और ध्यान रहे मेरे लाडले, जितना का अंतर रहे ना एकदम एकदम साइज में लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 3, सर जी ये कैसे लिख सकते हैं, तो या तो आप इसमें सुविधा हो तो ये लिख लीजिए, और नहीं तो पास तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न उत्तर संख्या 3, और उसके बाद एक हाईलाइट करके, और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 3 विद्युत चुंबक की प्रेरण। बोलिए सर जी एकदम लाइन से देना है, जरूरी नहीं है, अगर आपको लाइन से ही अच्छा से आता है तो लाइन से दीजिए, नहीं तो पास तो कोई भी 8 प्रश्न में आपको 4 का उत्तर देना है। तो देखिए विद्युत चुंबक के प्रेरण लिख दिए, अब इसका विद्युत चुंबक के प्रेरण क्या है जो मेरे पास, तो फटाफट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, लिख दें क्योंकि 2 तो पहले ही लिख दिए थे। तो देखिए जब किसी कुंडली, यहां से लिखिएगा ठीक है लाडले, यहां से जब किसी कुंडली, ठीक है, और चुंबक, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच, ठीक है, बैठ सकते हो, सीधी गति कराई जाती है, सीधी गति होती है, तो एकदम इसी प्रकार आपको सजा के लिखना है कुंडली में, ठीक है, मैं डाट ले विद्युत धारा, ये हम लिख दिए ना, तो आप लोग करिएगा कि सर जी किससे लिखवाए ये सब उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, और इसी परिघटना को विद्युत चुंबक के प्रेरण कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अब इतना हम प्रयास तो आपको समझाने के लिए, अब जैसे समझिए कि ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से प्रयास तो ऐसे लाइन और खींच देना, बस
इतने ही। और अगर आपको फिर से लिखना है तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालिए या प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालिए। बोले सर जी यहाँ पे लिखना जरूरी है? नहीं, दो लाइन जब बचे ना तो मत लिखिए, एक दो लाइन तीन लाइन बचे में लाट ले तो नीचे में मत लिखिए, ठीक है। सेम टू सेम मेरे पैसा तो बिहार बोर्ड के द्वारा इसी प्रकार की कॉपी रहेगा आपको, ठीक है। आपको चाहिए तो हम टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ डाल देंगे, आप भी नेट से निकलवा लीजिएगा, हम भी निकाले मेरे पैसा। अब देखिए आपका सवाल हो रहा है कि सर जी अगर हमको फिजिक्स में हो जाए तो क्या करेंगे, तो उसके बाद पैसा चलेंगे और इसका दीर्घ उत्तरीय भी आपको उत्तर देना है। उसके बाद आते हैं हम लोग, ठीक है, किस पे जी? तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ है मेरे प्यार साथियों रसायन शास्त्र। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, खंड नहीं लिखेंगे, रसायन शास्त्र लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न संख्या आपको देखिए 11 है, 12 है, 13 है, मुझे नहीं आ रहा है, मतलब अच्छा से नहीं आ रहा है, तो हम हटा देंगे, आगे बढ़ेंगे में लड़ ले। यहाँ पे हमको इजी मिल गया, सर जी हाइड्रोकार्बन क्या है, तो ये हम जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, तो इसी में से उत्तर दे देंगे। तो जितना नंबर है 14, तो आपको लिखना है प्रश्न 14 और दो अंक स्तरीय हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन लिख कर बैठ सकते हो, हाईलाइट कर देना। और हाइड्रोकार्बन हर बच्चा जानते होंगे क्या होगा, सर जी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है, ऐसे कि हाइड्रोजन और, ठीक है लाडले, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक, जो यौगिक मेरे प्यारे साथियों बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है लाडले। अब देखिए पूछा कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखना। अगर मेरे पास तो आपको एकदम टॉपर की तरह लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, हाइड्रो कार्बन। अब यहाँ से आपको दो को लाइन खींचना है एकदम अच्छे से, यहाँ एक नंबर देना मेरे पास साथियों, और एक नंबर में आपको लिख लेना संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा में प्यार साथ देना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रो, अब यहाँ पे नहीं हटेगा तो ऐसे कर देंगे और उसके बाद नीचे से लिख देंगे कार्बन। ये हुआ मेरे पैसा तो तरीका। सीधा चेक करेंगे कि प्रश्न संख्या 14 है, दो अंक का है, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बन गया, देख लिया दो प्रकार के संतृप्त असंतृप्त, फटाक से यहाँ नंबर आपको मिल जाएगा मेरे पैसा। तो एग्जामिनर को जितना ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं आप, क्योंकि वो बहुत सारे कॉपी चेक करते हैं, और एक बच्चा कभी कभी ऐसा बच्चा लिख देते हैं ना, उनको बहुत सारा दिक्कत होता है, तो इसीलिए कहीं आप तो आपको भी पैसा तो न लपेट दिया जाए। अब देखिए आपको मन में सवाल हो रहा है, सर जी ये तो दे दिए, आगे क्या देंगे? तो साबुन क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है 15। तो आप देखिए आपको जो भी सुविधा हो ऐसे ही प्रश्न संख्या 15 लिखेंगे, डॉट डॉट लिख सकते हैं, ठीक है, आपको ऐसे ही प्रश्न लिखिएगा एकदम मस्त रहेगा जी, आपको एकदम सजा के, जैसे हम लोग ब्लैक पेन के यूज करेंगे, यहाँ से लिख लेंगे प्रश्न, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 दे रहे हैं, ठीक है, देखिए 15 नंबर प्रश्न, तो ये कितना अंक का है, तो दे देते हैं दो अंक स्तरीय सर जी, ध्यान दीजिए दो अंक स्तरीय। अब पूछा जाए साबुन, तो साबुन को हम लोग लिख के हेडिंग जरूर दे देंगे, ठीक है, ऐसे साबुन, जिससे पता चलेगा कि साबुन के बारे में। अब साबुन क्या है, तो ये भी बहुत सिंपल है कि उच्च वसा अम्ल के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं, क्या मेरे पास सत्य हो, उच्च वसा अम्लों के, ठीक है, सोडियम, सोडियम लवण को साबुन कहते हैं, और साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, लेकिन आपसे साबुन पूछा जा रहा है। और आपको याद रहे कि अगर उदाहरण याद है आपको तो उदाहरण जरूर देना है, तब ये जाके मेरे लाडले फुल के फुल मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है, नहीं याद है तो मेरे पास तो आपको दिक्कत है, हर चीज़ का उदाहरण आपको देते चलना है, ठीक है मेरे लाडले, जैसे पॉमेटिक अम्ल और भी है, लेकिन नहीं हम लोग ETC कर देंगे यानी आदि कर देंगे बस इस प्रकार, ठीक है मेरे लाडले, इस प्रकार जब लिखिएगा तो आपका एक मार्क्स भी एग्जाम में नहीं कटने वाला है, और जो आपको गलत ही रहेगा ना वो गलत भी लिख दीजिएगा ना, तो आपको फुल का फुल मार्क्स मिलने वाला है लाडले, ठीक है। अब चलते हैं सर जी, इसका तो हो गया, अब इसी प्रकार जैसे रसायन शास्त्र के लिखे थे सर जी, इसी प्रकार बायोलॉजी के भी लिख लेंगे, हाँ दीर्घ उत्तरीय रहेगा, तो यहाँ पे आपको जितना अंक रहेगा उतना अंक दे देना है, ठीक है, और नहीं तो बहुत सिंपल एक चीज़ और भी आपको मैथ में बताएंगे वो कैसे करना है। अब चलते हैं प्यार साथियों इतिहास, सर जी इतिहास के बारे में क्या बोलते हैं आप यानी सामाजिक विज्ञान, देखिए ये है हमारे पास पेपर है सामाजिक विज्ञान, ये 2022 के ही बच्चा दिए थे वही एकदम सेम टू सेम, आपका अभी तक चेंज नहीं हुआ है, तो देखिए इसका हम सबसे पहले निकालते हैं सब्जेक्टिव। अब देखिए लाडले सबसे पहला आपको रहेगा खंड ब में इतिहास, इधर से हट जाइए, हिस्ट्री उस्ट्री नहीं लिखना, लघु उत्तरीय प्रश्न
तीन में से कोई देखिए प्रश्न, तो तीन क्वेश्चन को उत्तर देना है, ठीक है, दो अंक का, छह गो में से। तो सलम पत्ती की शुरुआत कैसे हुई, औद्योगिक क्रांति किने कहा जाता है, सरभरा वर्ग किसे कहते हैं, जनेवा समझौता पर टिप्पणी दे, स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे सर जी हमको ये अच्छा से याद है उसी के बारे में लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं प्रश्न, तो सरभरा वर्ग सभी लोग जानते होंगे तो इसी के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको इस में बना लेना है खंड व इतिहास लघुतरीय प्रश्न, ठीक है, लाडले और ब्लैक पेन से ये सब। प्रश्न संख्या तीन दे रहे हैं, देखिए दो अंक कर दिए सरभरा वर्ग। अब सरभरा वर्ग हम लोग जानते हैं कि समाज का वैसा वर्ग, लिखना पड़ेगा जी सर जी, लिख दीजिए समाज का वैसा वर्ग, कैसा है राइटिंग है कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, जिसमें, ठीक है लाडले, किसान, मजदूर, किसान मजदूर, फुटपाती, फुटपाती आपको हम बताए हुए, या दुकानदार, दुकानदार, ठीक है लाडले, एवं आम गरीब लोग, आम गरीब लोग जिनके पास, अच्छा समझ आ रहा है ना, हाँ यहां तक हो जा रहा है, जिनके पास रुपया शक्ति हो, अपना कहने के लिए कुछ भी ना हो, अपना कहने के लिए कुछ भी ना हो, ठीक है, ठीक है, या अपना और प्रस्तुत करने के लिए कोई भी वस्तु ना हो, उसे ही क्या कहते हैं सर्वहारा वर्ग। इस रूप में आपको लिख लेना है। अब मेरे लाडले आपको मन में सवाल हो रहा कि सर जी आगे है भी इसका सामाजिक विज्ञान के सर जी कौन सा लिखे, तो जो भी आपको अच्छा लगे लाडले कि हमको एकदम पूरे अच्छे से आता है सर जी उसी को लिखेंगे। क्या करना है देखिए, सबसे पहले पॉलिटी में नहीं, सबसे पहले तो हिस्ट्री की बात हो रहा है। अब आपको मान लिया स्वराज पार्टी की स्थापना का क्या उद्देश्य था, तो या तो आप ऐसे लिख लीजिए प्रश्न संख्या फाइव करके, ना तो आप एक और लिख सकते हैं ब्लैक पेन से, प्रश्नोत्तर संख्या फाइव, ठीक है लाडले, इस प्रकार, और यहां से आपको उत्तर करना है और जो आपको सुविधा हो ये सब ब्लैक से करना है, ठीक है, हमारे पास ब्लू था तो हम ब्लू से ही लिख दिए, ऐसे ब्लैक से लिख सकते हैं, और उसके बाद यहां से आपको उत्तर दे देना है। तो इस प्रकार भी लिखेगा तो आपका बेस्ट रहेगा, और इस प्रकार लिखेगा तो लाजवाब रहेगा, तो दोनों में से जो आपको सुविधा हो लिख सकते हैं। अब सर जी इसी प्रकार हम जब इसमें से लिख लेंगे दीर्घोत्तरीय भी लिख लेंगे, तो आप उसके बाद फिर लिखना होगा आपको राजनीति विज्ञान, ठीक है, लघुत्तरीय, ऐसे ही राजनीति विज्ञान लघुत्तरीय, और जितना नंबर दीजिएगा उतना नंबर आपको इसमें से बना लेना है। और मेरे पास तो एक हम मैथ आपको बता देते हैं, मैथ कैसे बनाइएगा ये जरूरी है हर बच्चे के लिए कि सर जी एक मैथ जरूर बताइए। देखिए मैथ वाला हमारे पास वो वाला अभी नहीं है, वो घर पे ही रह गया, लेकिन हम जैसे आपको बता देते हैं एक मैथ और प्रश्न, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना एग्जाम में, ठीक है लाडले, क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन हम एक क्वेश्चन आपको लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है लाडले, हाथ खतरनाक दिख रहा होगा क्योंकि नाखून कवर गया था, आप लोग को बताए थे हम इस चीज़। देखिए जैसे क्वेश्चन एक प्रश्न कि 0.6 को पे वार को परमेय संख्या के रूप में लिखिए, परमेय संख्या के रूप में लिखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, ठीक ना, एग्जाम में बस आपको क्या लिखना है प्रश्न, जो भी खंड रहेगा आपको एग्जाम में हमेशा मैथ वाला में क्या लिखना, प्रश्न उत्तर लिखिएगा यहाँ से, प्रश्नोत्तर संख्या, समझिए कि जैसे ये छः में है तो छः दे दिए, और यहाँ से ऐसे कर देंगे, ठीक है लाडले, और आपको यहाँ से लिखना है हल हमेशा, ठीक है हल। अब देखिए इसको कैसे बनेगा प्रश्न, तो सिंपल हम आपको बताए हुए थे, ऐसे हम आपको बता देते हैं कि माना तुम अच्छा से एक बित्ता का होता है फूल, देख लीजिए एक बित्ता का कॉपी में प्रश्न, एक बित्ता मेरा बहुत बड़ा बित्ता जे में, सबसे पहले लिखेंगे माना एक्स बराबर 0.6 पे वार, ठीक है जी, तो देखिए एक्स तो एक्स, 0.6 पे बार का मतलब हुआ कि बार बार संख्या आना, ठीक है, इसे घींच देते हैं समीकरण फर्स्ट, एक संख्या पे रिकरिंग होता है यानी बार होता है, तो समीकरण कितने से गुणा करेंगे 10 से, तो लिखेंगे मेरे लाडले समीकरण फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए समीकरण फर्स्ट में, तो कितना आ जाएगा जी सर जी 10x, और 10 से करेंगे तो 6 आगे आ जाता है 6.66 समीकरण सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड में प्रश्न, तो समीकरण वन को घटा देते हैं, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को, सॉरी समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा देते हैं, समीकरण सेकेंड कितना है 10x 6.666, और यह प्रश्न देखिए समीकरण फर्स्ट कितना है, भाई साहब समीकरण फर्स्ट कोई कष्ट ना सर जी ध्यान दीजिएगा, तो यह प्रश्न कितना हो जाएगा 0.666, ठीक है,
अब देखिए माइनस माइनस इधर इधर खत्म हो जाएगा तो 6 बचेगा जी, 10x में से एक वो एक्स गया जी, तो सर जी 9x होगा। अब इसीलिए x बराबर, देखिए अभी x निकालना है ना, अभी इसीलिए नहीं करते, x बराबर 6/9 काट दीजिए पास, तो दो फटाफट बताइए, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, अब कर देना आपको इसीलिए x बराबर 2/3 और उसके बाद आंसर ये हो गया। इस प्रकार जब बनाएगा प्रश्न तो आपका कॉपी शोभेगा। इसी प्रकार हम करके मैथ फेवरेट प्रश्न आते 90 और साइंस 90 पार किए थे, ठीक है लाडले। इसी प्रकार आपको बनाना है तो आप बताइए प्रश्न, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने भाइयों के पास और अपने सारे दोस्तों के पास मेरे लाडले शेयर कर देंगे, ठीक है। और आपको ये चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि सर मुझे भी दे दीजिए, तो हम इसका प्रश्न PDF टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप पर डाल देंगे, ठीक है मेरे लाडले। और इसी प्रकार आपको सेम टू सेम बनाना है, आपको टॉप करना है, तो टॉप करेंगे ना, यस सर। तो मिलते हैं प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और लाइव आप पढ़िए, ठीक है, 7 बजे प्रतिदिन, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।